गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम फिश में जो स्केल्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने ऑलरेडी कॉस्मोइड स्केल्स के बारे में पढ़ लिया था और गैनोइड स्केल्स के बारे में पढ़ लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम साइक्लॉयड एंड टिनॉइड स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लॉयड एंड टिनॉइड स्केल, बेसिकली ये जो टिनॉइड स्केल है ये साइक्लॉयड का ही डेरिवेटिव है, इसी से डेराइव होता है, इसलिए हम इन दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। अब साइक्लॉइड स्केल की अगर हम बात करें जो फिशेज में पाया जाता है, तो ये मॉडर्न फिशेज में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो साइक्लॉइड जो स्केल है ये मॉडर्न टीलियोस्ट में देखी जाती है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ स्केल फाउंड इन मॉडर्न टीलियोस्ट, टीलियोस्ट जो होते हैं उसमें आते हैं रेडफिन फिशेज, ओके। तो मॉडर्न टीलियोस के अंदर जो है ये साइक्लॉइड स्केल जो है पाया जाता है। ये जो स्केल्स होते हैं ये काफ़ी पतले पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, थिन स्ट्रॉन्ग, पतले होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं एंड एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। तो ये जो साइक्लॉइड स्केल होते हैं टीलियोस में पाए जाते हैं, पतले होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और चूंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं इसी कारण से ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर कोई भी पतली चीज़ ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी शो ना करे, तो उसके टूटने के और उसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो है दे आर लार्ज ओवल शेप, लार्ज ओवल शेप। और पिछले वीडियो में याद करिएगा हमने एक टर्म पढ़ा था आइसोपेडाइन। आइसोपेडाइन क्या था, जो सबसे ऊपरी सतह थी, हार्ड लेयर थी डेंटाइन की, उसके नीचे वाली जो स्मूथ लेयर थी उसको आइसोपेडाइन हमने बोला था, है ना। तो यहाँ पे लार्ज होता है ये साइक्लॉइड के, ओवल शेप का होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली आइसोपेडाइन, मेड अप ऑफ आइसोपेडाइन, सिर्फ आइसोपेडाइन लेयर जो है वो पाई जाएगी इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है इसलिए कोई हार्ड कवरिंग नहीं पाई जाएगी। और इस आइसोपेडाइन के अंदर या आइसोपेडाइन के नीचे कॉलेजन फाइबर की एक लेयर मौजूद होगी, ठीक है। सो आइसोपेडाइन के ठीक नीचे एक कॉलेजिनियस लेयर मौजूद होगी बीनीथ आइसोपेडाइन, कॉलेजिनियस लेयर इज प्रेजेंट, एक कॉलेजन फाइबर की लेयर जो है वो मौजूद रहती है आइसोपेडाइन के नीचे, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इस कॉलेजन की लेयर का काम होता है इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो कॉस्मोइड स्केल्स हैं, ये जो साइक्लॉइड स्केल्स हैं सॉरी, इनको स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये कार्टिलेजिनस, ये जो कॉलेजिनस फाइबर्स है वही प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें थिन होते हैं ये चीज़ तो पता चल गई, उसके साथ साथ एक और पॉइंट आप लिख दो कि ये जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं, दे आर थिन एज वेल एज दे आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर, ठीक है। ओवल शेप लिख दिया मतलब कि दे आर रफली राउंडेड, आप ओवल भी लिख सकते हो, रफली राउंडेड भी लिख सकते हो, मतलब पूरी तरह से राउंड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दे शो अल्टरनेटिव ग्रूव्स, बीच बीच में कहीं कहीं जो है होल्स या फिर गड्ढे या फिर एक डिप्रेशन जो है पाया जाएगा, उन्हीं को यहाँ पे हम ग्रूव्स बोल रहे हैं। तो जो पूरी लेयर होती है उस पर बीच बीच में कहीं कहीं गड्ढे पाए जा सकते हैं, डिप्रेशन पाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें नॉर्मली ये जो क्या कहते हैं साइक्लॉइड स्केल है जिन मछलियों में पाया जाता है उनको हम कार्प्स बोलते हैं, कार्प्स फैमिली में ये ज़्यादा पाया जाता है,
वार्फ फैमिली की कौन सी स्पीशीज में पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है लेबियो रोहिता, जिसको रोहू मछली बोलते हैं। लेबियो रोहिता, लेबियो रोहिता के बाद आपको जिस में मिलेगा रहेगा कटला, कटला भी बोलते हैं, ठीक है। इन स्पीशीज में जो है ये साइक्लोइड स्केल जो है पाए जाते हैं, ठीक है। साइक्लोइड स्केल के दो बेसिक पार्ट होते हैं, इनर सॉलिड पार्ट जो होता है वो बोन का बना होता है, और आउटर जो है वो कॉलेजन का भाग होता है, ठीक है। सो इनर पार्ट इज मेड अप ऑफ बोन एंड आउटर पार्ट इज मेड अप ऑफ कॉलेजन। उसके आगे अगर अपन बात करें तो ये जो साइक्लोइड स्केल है ये उम्र के साथ साथ शेड नहीं होते, मतलब उम्र के साथ साथ जो ये झड़ते नहीं है। मछली की एज बढ़ती रहती है, उसके साथ साथ ये भी इनका भी ग्रोथ जो है होता रहता है। तो इस कारण से मछली की उम्र कितनी है वो हम इन साइक्लोइड स्केल के ऊपर बने हुए रिंग से पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो साइक्लोइड स्केल है ये उम्र के साथ साथ झड़ते नहीं है, उम्र के साथ साथ शेड जो है नहीं होते, ओके। अब साइक्लोइड स्केल से आए तो नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पे टेनोइड स्केल। टेनोइड स्केल की अगर अपन बात करें तो ये चीज मैंने पहले बोली थी कि दी स्केल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम साइक्लोइड स्केल, सो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम साइक्लोइड स्केल। साइक्लोइड स्केल से ही ये जो टेनोइड स्केल है ये डिराइव किए रहते हैं। अब इसमें अंतर क्या रहता है, ठीक है। अब इसमें अंतर ये रहता है कि इनके पिछले भाग में, पोस्टीरियर भाग में एक कॉम्ब की तरह या फिर एक पिन की तरह स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका पिछला भाग जो है वो थोड़ा पतला होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये डिराइव तो होते हैं साइक्लोइड स्केल से, पर इनका जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें प्रोट्रूशन पाया जाता है। पोस्टीरियर पार्ट हैज प्रोस्ट्रूशन, प्रोस्ट्रूशन का मतलब होता है एक तरह का खिंचाव या फिर अपना जो ओरिजिनल लेंथ है उससे थोड़ा सा लंबा हो जाना, इसको बोलते हैं प्रोट्रूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिछला भाग है पोस्टीरियर पार्ट है उसमें प्रोट्रूशन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें इसके कारण मदद क्या होती है, दिस हेल्प्स द फिश, दिस हेल्प्स द फिश टू स्विम फास्टर। ये जो प्रोट्रूशन है इसके कारण आगे, इसमें हमने बोला था जब साइक्लोइड पढ़ा था हमने बोला था कि ये जो है अंडाकार होता है जो साइक्लोइड स्केल होता है, पर यहाँ पे हम बोल रहे हैं ऊपर बाहर से तो अंडा का पीछे से जो है ये आगे प्रोट्रूड कर जाता है, पीछे पतला हो जाता है। पीछे जब पतला हो जाता है तो आगे की तरफ जब मूव करते हैं तो जो स्पीड है उनकी वो नॉर्मल साइक्लोइड स्केल वाली डिलियोस मछलियाँ जो होती हैं उनके मुकाबले ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें आगे की तरफ से ये सर्कुलरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो स्केल्स हैं ये नॉर्मली पर्सी फॉर्म क्या करते हैं फिशेज में पाए जाते हैं, फाउंडिंग पर्सिफॉर्म फिशेज। अभी पर्सिफॉर्म फिशेज क्या होती हैं? पर्सिफॉर्म फिशेज होती हैं बार शेप की फिशेज, थोड़ी चौड़ी ब्रॉड टाइप की फिशेज होती हैं, उनको पर्सिफॉर्म बोलते हैं, बार शेप, ठीक है, थोड़ी चौड़ी होती हैं। कुछ मछलियाँ एकदम स्लिम होंगी स्ट्रीम लाइन, कुछ बहुत मोटी होती हैं चौड़ी होती हैं, वो होती हैं पर्सिफॉर्म, ठीक है, ब्रॉड, ठीक है। और ये जो टेनोइड स्केल है दे डेवलप फ्रॉम डर्मिस, डर्मिस की लेयर से जो है ये स्केल जो है डेवलप होता है। तो साइक्लोइड और टेनोइड में डिफरेंस समझ में आ गया कि साइक्लोइड किस तरह का होता है, टेनोइड किस तरह का होता है। अच्छा, पर्सिफॉर्म फिशेज में भी जो है आपके टीलियोस्ट ही आए, ओके। तो टीलियोस फिशेज आते हैं इसमें, या पर्सिफॉर्म जो है वो टीलियोस्ट के अंडर आते हैं। तो आपको डिफरेंस पता चल गया साइक्लोइड और टेनोइड में।
साइक्लॉइड्स के जो होते हैं नॉर्मली होल शेप के होते हैं, डिनॉइड्स में जो है पोस्टेरियर पार्ट में जो है वो थोड़े फ्लैट हो जाते हैं या प्रोट्रूडेड हो जाते हैं, आगे की तरफ खिंचा जाते हैं, तो आगे की तरफ खिंचाने के कारण थोड़े पतले हो जाते हैं और नुकीले हो जाते हैं, जिस कारण से उनकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा फास्ट हो सकती है। तो आज का वीडियो यही था साइक्लॉइड और डिनॉइड स्केल के बारे में। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्लेकॉइड स्केल के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन वॉच दिस वीडियो एंड मेक योर नोट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।